गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो दिस इज फर्स्ट क्लास आफ्टर दिवाली वेकेशंस एंड काइंडली स्विच ऑफ योर माइक्स। प्रशांत कुमार। Okay, so we have done till first fit, best fit, and worst fit algorithms, and we have solved few questions based on those algorithms. Today we have to start fragmentation, and next topics. Let me open the PPT first. Yes, so can you see the PPT now? Is it visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. So we have discussed fragmentation also, right? Fragmentation we discussed ho gaya tha mere hisab se. Yes. किसी को भी याद नहीं है? किसी को याद है थोड़ा बहुत कि हमने कहाँ तक पढ़ा है? ये वाला पीस हो गया था, पर इसके आगे कितना हुआ था वो नहीं याद है। हाँ, ये वाला हो गया था ना। हाँ, एक मिनट, आपका ये हो गया होगा। एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तक ही बताया था मैंने, ठीक है? इसके आगे आज बताना है। चलिए, फ्रेगमेंटेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू रिमूव दिस फ्रेगमेंटेशन, लाइक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ओके, सो दिस इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल में क्या था कि जब आपके पास टोटल, आपको किसी प्रोसेस ने, व्हेन सपोज देयर इज अ प्रोसेस हु इज रिक्वेस्टिंग फॉर सम अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड दैट अमाउंट ऑफ मेमोरी एग्जिस्ट बट इट इज नॉट कॉन्टिग्यूस, सो इट कैन नॉट बी used to satisfy the request of a process. That means this is external fragmentation. Internal fragmentation means when the, if a, you know, process is requesting for some memory and system, operating system is allocating it to some memory which is larger than the requested memory. So the difference between the requested memory and the allocated memory, that is known as internal fragmentation. So here are three solutions to remove the external fragmentation. First one is compaction. Compaction se kaise remove ho sakta hai? In compaction we just shuffle the memory. हम क्या कर देते हैं, हमारे पास जो हमारे, हमने क्या किया था कि एक हमारी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मेरे पास जो फ्री स्पेस थे मेमोरी के वो कॉन्टिग्यूस नहीं थे। ओके, दोज मेमोरी स्पेस वर नॉट कॉन्टिग्यूस, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि मैं रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। ओके, यस और नो, यही था आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में? यस मैम। यस मैम। ओके, तो उससे क्या होता, हम रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो कॉन्टिग्यूस नहीं है, वो हमारी स्कैटर्ड है मेमोरी। तो हमने एक क्या मेथड लिया, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, हम अपनी जो मेमोरी है, मेमोरी सेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, उनको हम शफल कर देंगे। शफल किस तरीके से करेंगे कि जो भी मेरी एलोकेटेड मेमोरी है वो एक साइड में आ जाएंगे, एक साइड लेफ्ट साइड में आ जाएंगे या फिर राइट साइड में, और जो भी फ्री मेमोरी ब्लॉक्स होंगे वो मेरे दूसरे साइड पर आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। वी आर परफॉर्मिंग कॉम्पैक्शन हियर।
Okay, so it is a method to overcome the external fragmentation problem. All free blocks are brought together as one large block of free space. Okay, all the free blocks which are available, they will be brought together as a one large block of free space. Compaction requires dynamic relocation. Certainly, compaction has a cost, and selection of an optimal compaction strategy is difficult. Okay. One method for compaction is swapping out those processes that are to be moved within the memory and swapping them into different memory locations. आपका क्या हो सकता है कि suppose करो इसमें कैसे आपका ये कॉम्पैक्शन हो सकता है, मतलब कब आपको जरूरत पड़ेगी. सपोज करो आपके पास एक मेमोरी है, उसमें आपके सेगमेंट्स हैं. अब जो एलोकेटेड मेमोरी है उसमें से हमने क्या कर दिया, किसी प्रोसेस को स्वैप आउट कर दिया, ठीक है. तो वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट मेरा फ्री बचेगा, ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन से स्वैप आउट कर रहे हो या फिर स्वैप इन कर रहे हो, ठीक है, फॉर दैट पर्पस ऑल्सो यू विल नीड कॉम्पैक्शन. Okay. Yes or no? Okay, ma'am. Here is a diagram. You can see this is operating system. Here is process one, which has acquired some amount of memory. And here is free space of 20 KB. Here is process P2. Here is process P3. So here are three free blocks that are of 20 KB, 7 KB, and 10 KB. So what we are doing, we are performing compaction, and by performing compaction, all the free blocks will be brought together at the end of the memory. देखिए यहाँ पर आपकी allocated memory आ गई है और आपकी जो भी free memory थी वो एक बड़ा free block उसने create कर लिया है, which is a 37 KB. How it is 37 KB? 20 plus 7 is 27, 27 plus 10 is 37 KB. So it is of 37 KB. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Next, another method to remove the external fragmentation is paging. आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है what is paging? Do you have any idea what is paging? No, ma'am. Paging मतलब message भेज देते हैं, मतलब pagers होते थे ma'am. अच्छा, उससे मतलब हम कैसे external fragmentation को remove कर रहे हैं बेटा? मैम नो आईडिया, मैम पेजर सुने हैं मैंने. ओके ओके, देखो इसमें क्या होता है आपका पेजिंग में. अच्छा, आई एम गेटिंग सम रिप्लाइज हियर. डिवाइड प्रोसेस इन फॉर्म ऑफ पेजेस, नो नो. बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इन पेजिंग, इसे मैं फुल स्क्रीन कर लेती हूँ उसको. Yes, basically इसमें क्या हो रहा है आपका पेजिंग में बेटा, इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम. व्हाई वी आर यूजिंग दिस पेजिंग, इफ वी आर यूजिंग दिस पेजिंग टू रिमूव द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. ये भी एक सोल्यूशन है टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. हाउ? सपोज देयर इज अ पर्टिकुलर कोड. Okay, there's a particular code which is present in the main memory. Now we need to swap out that code or that process. Okay, so where we will swap out this process? We will swap out this process to the backing store. Yes or no? Yes, ma'am. हम क्या करते हैं main memory से कहाँ swap out करते हैं? Back store में करते हैं. So we also need a memory to swap out that process to the backing store. We need memory in the backing store also. But there could be the same problem of external fragmentation in the backing store. Yes or no? Yes or no, beta? Ma'am, can you repeat the last sentences as I was disconnected? Okay. देखो, इसमें क्या है कि आपका सपोज करो आपको कोई प्रोसेस स्वैप आउट कराना है मेन मेमोरी से बैक स्टोर पे. जब आप उसको स्वैप आउट करोगे तो आपको बैक स्टोर में भी स्पेस फाइंड करनी पड़ेगी ना, जहां पर आप उसको स्वैप आउट करोगे. यस मैम. यस, अब हो सकता है आपके बैक स्टोर में भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा हो. यस मैम.
there could be possibility of the external fragmentation in the backing store. ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि आपके पास बैक स्टोर में मेमोरी तो अवेलेबल है आपके प्रोसेस के लिए, लेकिन वो कैसे है, स्कैटर्ड है, मतलब कि वो कॉन्टिगस नहीं है. ओके, सो देयर कुड बी द सेम प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन द बैकिंग स्टोर ऑल्सो. बट एज यू ऑल नो द एक्सेस टू द बैकिंग स्टोर इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी. यस मैम. सो कॉम्पैक्शन इज नॉट पॉसिबल. So we will use the paging method to overcome the problem of external fragmentation in the backing store. Okay, now how we are performing this solution? हमारे पास क्या है बेटा, logical address space है, physical address space है. ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, हमारे पास logical address space है, physical address space है. Okay, we have divided the physical memory space into fixed size blocks which we are calling as frames. ओके, हमने क्या करा, फिजिकल मेमोरी जो है उसको हमने डिवाइड कर दिया है फिक्स साइज ब्लॉक में, और एक पर्टिकुलर ब्लॉक को हम क्या कह रहे हैं, फ्रेम बोल रहे हैं. नेक्स्ट इज, इफ यू टॉक अबाउट द लॉजिकल मेमोरी, वी हैव डिवाइडेड द लॉजिकल मेमोरी स्पेस इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स विच वी आर कॉलिंग एज पेजेस. ओके, नाउ यू टेल मी, इफ आई टॉक अबाउट the memory block in physical memory, what is the another name for that memory block in physical memory? बेटा देखो, फिजिकल मेमोरी को मैंने फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है और उस ब्लॉक्स को मैं बोल रही हूँ फ्रेम्स. लॉजिकल मेमोरी को मैंने फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड किया है और उसको उनमें मैं उस लॉजिकल मेमोरी में बोल रही हूँ उस ब्लॉक को पेजेस. क्या इसमें ऐसा डिफिकल्ट आपको लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? मैम, यस, मेमोरी को फ्रेम और फिजिकल मेमोरी में, बेटा आपकी जो फिजिकल मेमोरी है ना, आपने उसको डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में नहीं, फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में. देयर कुड बी नंबर ऑफ ब्लॉक्स, लेकिन उन सारे ब्लॉक्स का साइज एक ही है. ओके, जैसे सपोज करो, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर सपोज दिस इज अ फिजिकल मेमोरी, इट इज ऑफ 100 KB. मैंने इसको 10 KB के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है. और इन ब्लॉक्स को हम लोग फ्रेम बोल रहे हैं, पेजेस? यस, इन ब्लॉक्स को हम बोल रहे हैं फ्रेम इन केस ऑफ फिजिकल मेमोरी. बट इफ आई टॉक अबाउट द लॉजिकल मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी को भी मैंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है फिक्स साइज ब्लॉक में. सपोज मेरे पास लॉजिकल मेमोरी कितने की है, 50 KB की है. तो मैंने इसको भी क्या कर दिया बेटा, आपका डिवाइड कर दिया है फिक्स साइज ब्लॉक में, 10 KB के ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है इसको भी. और लॉजिकल मेमोरी केस में इस ब्लॉक को मैं क्या कह रही हूँ, पेजेस. ओके मैम, अब भी किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी, क्योंकि आपके आगे के सब कुछ है वो फ्रेम और पेजेस पर ही काम होना है. अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे. नो मैम. ओके, सो आपका क्या है, मैंने बताया फिजिकल मेमोरी में हमने डिवाइड किया है फिक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स में, और उसमें मैं बोल रही हूँ फ्रेम्स. ऐसे याद कर सकते हो, फिजिकल, फॉर PH है ना, तो आप प्रोनाउंसिएशन में F पहले आ रहा है, मतलब अगर देखो फिजिकल में तो वैसे हम बोलेंगे फ्रेम्स. तो लॉजिकल में दूसरा क्या बचेगा, पेजेस. तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद कर सकते हो. ओके, नाउ व्हेनेवर द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड, जब भी आपको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, व्हाट वी विल हैव टू डू, द सिस्टम विल ब्रिंग ऑल द पेजेस ऑफ द प्रोसेस. जो भी प्रोसेस को मेरे पेजेस की जरूरत पड़ेगी, पेजेस में क्या होगा, आपका डेटा ही होगा एक तरीके से. Yes, ma'am. So, its pages will be loaded into the main memory from the backing store. ठीक है, हम क्या करेंगे, सपोज करो मेरे प्रोसेस है, प्रोसेस को कोई पर्टिकुलर पेज चाहिए, मेरे को फर्स्ट और सेकेंड पेज चाहिए. तो मैं क्या करूंगी,
फिर यहाँ से फिजिकल मेमोरी से मैं मेन मेमोरी में उन पेजेस को लोड कराऊंगी सो दैट द प्रोसेस कैन यूज दोस पेजेस ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन. ओके नाउ आपका जब भी आप अपने लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करोगे तो आपके दो टर्म्स होती हैं, एक होता है पेज नंबर, एक होता है आपका पेज ऑफसेट. ठीक है वो हम आगे बताएंगे इसमें. यस पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट. पेज नंबर बताता है कि आपका जो पेज है जिस पेज के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसका इंडेक्स क्या है पेज टेबल में. जैसे कि आपको डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा. ये देखिए सीपीयू ने हमारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है, ये पेज नंबर है, पी इज फॉर पेज नंबर, डी इज फॉर ऑफसेट. ठीक है आपका जो पेज का ऑफसेट होगा और जो फ्रेम का ऑफसेट होगा दैट विल बी सेम. ठीक है आपका पेज का ऑफसेट और फ्रेम का ऑफसेट विल बी सेम और आपका जो पेज का साइज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द फ्रेम साइज. ये दोनों टर्म्स याद रखो, मैं यहां पे लिख देती हूं पेज साइज इज इक्वल्स टू फ्रेम साइज एंड पेज ऑफसेट इज ऑल्सो इक्वल्स टू फ्रेम ऑफसेट. ठीक नाउ Now CPU has generated its logical address. Here is a page number. There is a page table which is maintained by the operating system. Okay. Now what is happening here? Suppose उसने request किया first page number. तो वो check करेगा कि मेरा first page number जो है वो किस frame में stored है. Suppose करो मेरे पास आता है frame number यहाँ से 2. तो मैं क्या करूँगी? यहाँ से pass होगा आपका frame number. ठीक है? फ्रेम नंबर 2 और ऑफसेट कहां से मिलेगा फ्रेम का? पेज ऑफसेट से. इट विल बी सेम. सो सपोज करो ऑफसेट इज 3, ऑफसेट क्या होगा? 3 होगा. तो वो क्या करेगा फिजिकल मेमोरी में? इट विल फाइंड सेकंड फ्रेम एंड डेटा एट थर्ड ऑफसेट. मतलब इट विल फाइंड द डेटा व्हिच इज प्रेजेंट एट द थर्ड ऑफसेट ऑफ पेज नंबर 2. ठीक है ये डायग्राम समझ में आया हाउ वी आर ट्रांसलेटिंग द लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस? नो मैम एक बार और समझाएंगी. देखिए हियर इज सीपीयू विल जनरेट द लॉजिकल एड्रेस ओके व्हिच कंसिस्ट ऑफ पेज नंबर एंड द पेज ऑफसेट. यहां तक क्लियर है बेटा? यस मैम. यहां पर आपका क्या जनरेट हुआ है? पेज नंबर एंड ऑफसेट. आपका क्या डेटा मेंटेन होगा कि मेरा कौन सा पेज किस फ्रेम में प्रेजेंट है. ठीक है अगर आपको कोई पेज के लिए रिक्वेस्ट करना है तो वो आपको कहाँ से लेना होगा? फिजिकल मेमोरी से. अब फिजिकल मेमोरी में आपके कहाँ पर है? अब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप लोग लाइब्रेरी में बुक सर्च करने जाते हो. यस मैम. ठीक है आप बुक सर्च करते हो तो आपके पास सिस्टम होता है उसमें आप डाल के देख सकते हो कि आपकी बुक कहाँ प्रेजेंट है. यस तो आप क्या करते हो अपना सर्च करते हो वो आपको बता देता है कि इस कॉलम में प्रेजेंट है मतलब या फिर इस शेल में प्रेजेंट है. ठीक आप उसमें जाके फिर चेक करते हो. यस मैम. वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि मेरे पास पेज मैं क्या कर रही हूँ मैं सर्च कर रही हूँ कि ये वाला पेज जो है वो किस फ्रेम में प्रेजेंट है. तो मुझे यहाँ पेज टेबल से क्या मिल जाएगा उसका फ्रेम नंबर मिल जाएगा. व्हेन आई विल गेट द फ्रेम नंबर फ्रॉम दिस पेज टेबल देन आई विल पास द फ्रेम नंबर टू द फिजिकल एड्रेस एंड द फ्रेम ऑफसेट विल बी इक्वल्स टू द पेज ऑफसेट. ओके नाउ टू प्रोड्यूस द physical address I need frame number and the frame offset. Now I have these two you know parameters with me. मेरे पास दोनों parameter की value है या नहीं? Frame number मुझे page table से मिल गया और offset मुझे page offset से ही मिल जाएगा. Now we will find the physical address of the respective logical address. अब इसमें आपको मैं एक example से और बताती हूँ उससे आपको और clear. Suppose करो ये आपका question है.
ये आपका मतलब डायग्राम है, इससे यू विल गेट इट. हियर इज सपोज पेज जीरो, ओके, यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर पेज जीरो. नाउ दिस इज पेज टेबल. अब यहाँ पर आप देखिए पेज जीरो किस पे फ्रेम में प्रेजेंट है बेटा? नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट फ्रेम में. नाउ यू कैन सी पेज जीरो इज प्रेजेंट एट द फ्रेम नंबर वन. नाउ इफ यू सर्च पेज वन, पेज वन, पेज वन कहाँ प्रेजेंट है? फोर्थ फ्रेम नंबर पर. फोर्थ फ्रेम नंबर पे. हियर इज पेज वन. पेज टू, पेज टू सर्च कीजिए कहाँ पर है? थ्री पर. देखिए पेज टू आपका थ्री पर है. पेज थ्री कहाँ पर है? सेवन पर. देखिए पेज थ्री आपका सेवन पर प्रेजेंट है. इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. आप कोई किसी को प्रॉब्लम है या डाउट है तो बताइए. नो मैम. मैम ओके. नेक्स्ट इज ये देखिए, ये आपका एग्जाम्पल है अलोंग विद द ऑफसेट. अगर आपका ऑफसेट दे रखा है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सपोज दिस इज द कंप्लीट पेज नंबर वन. दिस इज हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. पेज जीरो, पेज वन, यहां से फिर पेज टू एंड पेज थ्री. क्लियर है मैंने कैसे इनको नेमिंग दी है पेजेस को? यस मैम. Can anyone tell me what is the page size? Four. Very good. Page size is four. And what is frame size? I'm 15. Four. Four. Frame size four. Dekhi, four तो आपको यहाँ से पता चल रहा है frame size. But eight. Frame size is always equal to the page size. ठीक है? Yes, ma'am. Now. अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे जीरो, तो आप जीरो को देखो बेटा. जीरो आपका किस पेज नंबर का है? आपका फाइव. जीरो किस पेज नंबर पर है बेटा? अच्छा, एक, 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 वन, वन, वन. अरे सॉरी, जीरो, 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 इट इज़ एट जीरो. ओके, ओके, ओके. तो जीरो इनटू पेज साइज क्या है बेटा? फोर. एक सेकेंड. टू पे भी जीरो. नो 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 नॉट लाइक दिस. आपका जीरो है. वन सेकेंड. जीरो. हाँ एक सेकेंड. यस फर्स्ट दिस जीरो इज एट जीरो पेज नंबर. ओके नाउ आपका जीरो पेज नंबर किस फ्रेम में है बेटा? फिफ्थ फ्रेम में. फिफ्थ फ्रेम में. सो फाइव इनटू What is size? Four. Four. Four? Hmm. And what is its offset? Zero kis offset is present hai? A. 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 Zero, one, two, three. Similarly, zero, one, two, and three. Similarly, zero, one, two, and three. Ma'am, ye offset likh rahi hai na? Yes, offset of each page. ठीक है? Okay. इसमें doubt किसी को है? मैंने कैसे offset लिखे हैं? नहीं, नहीं मैम. ठीक है ना? तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. Five into four, four is size. Plus zero किस offset में present है बेटा? Zero offset. Zero पर. तो क्या आएगा मेरा answer? 20. 20. Now you can see this. Page is present at 20 physical address. यहाँ पर देखो आपका A present है. पर आपको A ही find करना था? Yes or no? Yes ma'am. Now we can calculate the physical address. Similarly, if you want to find this page number, this page. Okay. Now you can see this is present at which page number? हम इसके लिए पेज नंबर दिए ही कहाँ हैं? सिर्फ थ्री दिया हो बताओ. दिस इज जीरो पेज वन. दिस इज टू. अच्छा वन पेज नंबर वन. ठीक. तो क्या आई मैम? हाँ आपने सबसे पहला वाला सॉल्व किया उसमें फाइव आपने फ्रेम नंबर लिखा था ना कि जीरो. यस यस यस.
ये भी कंफ्यूजन हो रहा है फाइव। देखो बेटा आप जो ये जीरो समझ रहे हो ना, ये जीरो फर्स्ट आई विल हैव टू चेक कि ये किस पेज में प्रेजेंट है। ये पेज जीरो में प्रेजेंट था, ठीक है। अब मैं चेक करूंगी कि पेज जीरो मेरा किस फ्रेम में प्रेजेंट है। तो पेज जीरो किस फ्रेम में प्रेजेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर फाइव लिखा था। अब अगर मैं इसकी बात करूंगी तो ये वाला पेज मेरा किस पेज में प्रेजेंट है, पेज वन में प्रेजेंट है। अब मैं चेक करूंगी वन पेज मेरा किस फ्रेम में प्रेजेंट है, सिक्स में प्रेजेंट। सो आई विल राइट सिक्स इनटू फ्रेम साइज कितना है फोर। और किस ऑफसेट पर है आपका फिफ्थ, वन। तो क्या होगा ये 25। देखो आपका 25 पर ही प्रेजेंट होगा एफ। 24 पे है 20 बेटा, 20 21 22 23 24 25 26 27 28। मैम ऑफसेट, इसमें भी ऑफसेट लगाया आपने? यस लगाया तो है मैंने ऑफसेट, ये वन ये ऑफसेट ही तो है। कैसा हो सकता है कि इसमें वैल्यूज रिपीट हो, मतलब ये जो 0 0 5 ये सारी चीजें हम लोग चेक कर रहे हैं किस पेज में है, तो क्या एक ही वैल्यू दो अलग अलग पेजेस में हो सकती है? मतलब जो पेज नंबर वन में मिला है क्या वो पेज नंबर टू या पेज नंबर थ्री में भी मिल सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं, आपका सेम डेटा दो जगह पे कैसे प्रेजेंट हो सकता है? ओके है ना। यस, अगर सपोज इफ यू वांट टू फाइंड दिस 14, ओके डेटा दिस 14, अगर आपका 14 लॉजिकल एड्रेस प्रोड्यूस हुआ है तो आप कैसे उसको ट्रांसलेट करोगे फिजिकल एड्रेस में? नाउ फॉर 14 लॉजिकल एड्रेस फर्स्ट आई विल फाइंड इट्स पेज नंबर। सो इट्स पेज नंबर इज 3। सो वेयर इज दिस पेज नंबर 3 प्रेजेंट? 2 फ्रेम नंबर। सो 2 into frame size is 3 4 and its offset is 2 2 into 4 plus 2 is 10. Right. See O is present at 10, 8 9 and 10. Clear hai ye sabko? Yes ma'am. Yes ma'am. कोई डाउट इसमें कैसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में? मैम आपने थोड़े पहले बोला था कि सेम ऑफसेट बराबर होगा, और एक चीज बोली थी कुछ और बराबर होगा, वो क्या था? पेज साइज इज ऑलवेज इक्वल टू द फ्रेम साइज एंड पेज ऑफसेट इज ऑलवेज। पेज साइज तो हम लोग समझ में आ गया, पेज साइज क्या है, अदरवाइज आपको गिवन होगा। या फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें कुछ कुछ आपको डिटेल्स दे रखी होंगी, देन यू विल हैव टू फाइंड द पेज साइज, ठीक है। हम आगे वही क्वेश्चंस करेंगे, ओके ओके मैम। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए फिजिकल एड्रेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू फ्रेम नंबर इनटू पेज साइज प्लस डिस्प्लेसमेंट विद इन पेज। डिस्प्लेसमेंट इज ऑफसेट, ओके। सपोज हेयर इज द फाइंड द फिजिकल एड्रेस ऑफ कैरेक्टर एन इन द लास्ट फिगर। आपको एन के लिए 13 पे जो है उसके लिए आपको फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है। नाउ यू कैन सी दिस character n lies in which page number? 3. किस पेज नंबर में लाई कर रहा है आपका ये? सेकंड में, पेज नंबर 3. थर्ड पेज नंबर आपका किस फ्रेम में प्रेजेंट है? 2. पेज साइज कितना है आपका? 4. ऑफसेट किस ऑफसेट में प्रेजेंट है आपका ये n? 1 1 1. So it is 9. देखो n आपका 9 में प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ बता रखा है, here you can see 2 into 4 plus 1 that is 9. So physical address for logical address 13 is 9. Is it clear to everyone?
Yes, ma'am. Now, if question is given, suppose logical address is given or some character is given which you have to find, then you can find the logical physical address for the respective character or the logical address. Yes or no? Yes, ma'am. Chaliye. Okay. Now, this is also an example. Suppose here are some free frames. Okay, now you need to allocate some pages into these free frames. How you can do so? Suppose these are the new pages which have arrived just now, and here is my frame list, and these are the free frames like 14, 13, 15, 18 and 20. These are free frames and others are allocated frames. Matlab jo ki main already de chuki hu kisi process ko. Right. So now you can see मैंने क्या किया, I have allocated frames to these pages. मैंने क्या किया, इन पेजेस को फ्रेम्स में स्टोर कर दिया है वन बाय वन. नाउ यू कैन सी हियर इज माय पेज टेबल. पेज टेबल क्या बताता है कि मेरा कौन सा पेज किस फ्रेम में प्रेजेंट है. यस और नो? यस मैम. यस मैम. नाउ यू कैन सी हियर इज माय एंड हियर इज गिवन दैट जीरो पेज इज प्रेजेंट एट 14th frame. Now you can see page 0 is present at 14th frame. One, page number 1 is present at 13th frame. Now you can see page number 2nd is present at 18th position. And third is at 20th frame. Okay? So this is what, this is the scene scenario after allocation and this is before allocation. Now you can see I have used 14, 13, 18 and 20 frames from the free frame list. Now I am left with only one free frame, that is 15. Okay? Yes, ma'am. Now, next, here is a question. On a simple paging system with 2 to the power 24 bytes of physical memory, 256 pages of logical address space and a page size of 2 to the power 10 bytes. आपका सिंपल पेजिंग सिस्टम है, उसमें आपका जो फिजिकल मेमोरी है दैट इज ऑफ 2 टू द पावर 24 बाइट्स. ठीक है, अब मुझे आप थोड़ा इसमें इन क्वेश्चंस में आपको जो भी आपने अब तक पेजिंग के बारे में पढ़ा है वो सारे इसमें लगाने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट. 256 पेजेस ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस. आपके जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में कितने पेजेस हैं? 256. ठीक, और जो आपका पेज साइज है वो कितना है? 2 टू द पावर 10 बाइट्स. Yes or no? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, what you have to find? You have to find how many bits are there in logical address space. बेटा आपको बताना है कि आपको कितनी bits की जरूरत पड़ेगी logical address space में. पहली बात, आपको logical address space किसका है? Pages का. Logical address space में किसकी बात हो रही है? Pages की या frames की? Pages की. Pages की. एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज करो आपके पास 8 पेजेस हैं. सपोज यू हैव 8 भी छोड़ो, सपोज यू हैव ओनली 4 पेजेस. ठीक है, आपको कितनी बिट्स चाहिए होंगी उन पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए? 4. कैसे आपने फाइंड की? आपने नंबर ऑफ पेजेस को 2 की पावर में कन्वर्ट कर लिया. यस मैम. सॉरी, आपको 4 पेजेस के लिए 2 बिट्स चाहिए होंगी ना बेटा शुभांशी? 4 कैसे चाहिए होंगे? देखो आप, बताती हूँ आपको. वन सेकेंड, आपके 4 पेजेस, आप कैसे रिप्रेजेंट कर? 0 0 0 1 1 0 1 1, 2 बिट से आपके रिप्रेजेंट हो रहे हैं 4 पेजेस. ओके मैम. ओके मैम. अगर आपको 8 करने हैं तो आप कितने बिट्स यूज करोगे? 3 4 3 बिट्स. 3 3 3. यस मैम, 3. ठीक है, आपने कैसे किया इसको फाइंड? आपने क्या किया, आपने 4 को कन्वर्ट किया 2 टू द पावर में, 8 को भी कन्वर्ट किया 2 टू द पावर में. जो पावर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड. यही कर रहे हैं आप? पेज नंबर हमारे पास हमेशा ऐसे ही होते हैं जो 2 की पावर में कन्वर्ट हो जाए. हाँ, मतलब पावर एन में. हाँ, अगर अगर उससे ज्यादा है तो आप क्या करोगे? सपोज 57 है. ठीक है, 257 है तो आप क्या करोगे कि 256 जो है उसके लिए आपको सपोज 8 पेजेस, 8 बिट्स चाहिए थी. 257 के लिए यू रिक्वायर 9.
क्योंकि वो उससे ज्यादा है. अच्छा ठीक है. वैसे आप पे जो क्वेश्चंस आएंगे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस आप पे तो वो आपको फुट पावर में ही दिया जाएगा. ओके मैम. ठीक है. अब देखो यहाँ पर 256 पेजेस हैं. 256 पेजेस के लिए मैं कितने बिट्स चाहिए होंगे आप बताइए. फुट पावर 8 मतलब सॉरी 8 टू टू पावर 8 है ना. देखो टू टू पावर 8 कितना 256 ही होता है. 2 इनटू टू टू पावर 8 इज इक्वल 256. सो हाउ मेनी बिट्स यू विल रिक्वायर फॉर द लॉजिकल एड्रेस स्पेस. 8. ठीक है. लेकिन आप देखो यहाँ पर हमारे पास 8 बिट तो हो गई किसके लिए पेज नंबर के लिए और पेज ऑफसेट के लिए कितनी बिट होगी आपकी. ऑफसेट के लिए बताइए 16. ऑफसेट के बारे में दिया कहाँ है आपका पेज साइज. पेज साइज आपका 2 to the power 10 बाइट्स दे रखा है. अच्छा हाँ तो जो पेज साइज होगा वही ऑफसेट का भी साइज होगा. आप ये देखो ना आपने पिछले एग्जांपल में आपका पेज साइज कितना था 4 था. हाँ तो ऑफसेट का साइज भी 4 था पर पेज. नहीं 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 पेज साइज आपका 4 था तो आपको कितने बिट्स चाहिए थे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. 2. तो यहाँ पे पेज साइज 2 to the power 10 है. कितनी बिट्स चाहिए होंगे आपको. 10 नंबर ऑफ बिट्स कितनी चाहिए आपको किसी लॉजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए. 18 8 + 10 18. समझ में आया सबको अब. यस मैम. ठीक है. लॉजिकल एड्रेस स्पेस कंटेन्स 256 पेजेस फॉर टू सो टू रिप्रेजेंट दोस 256 पेजेस आई विल नीड 2 to the power 8 दैट इज 8 बिट्स. ओके this is for page number and if I talk about page offset now we can see the page size is 2 to the power 10 bits so I will need 10 bits to represent the page offset so total I will need 18 bits. clear hai ab. okay ma'am. sabko ye clear hai. maine kaise find kiya hai. maine aap logo se hi find karaya hai. yes ma'am. ma'am offset bata bata rahi hai 2 to the power 10 kahan se aaya. Given है वो. Page size given 2 to the power 10. Okay ma'am. एक second. पिछले question में देखो आप. यहाँ पे offset कितने हैं? 4. Four को represent करने के लिए आपको कितने चाहिए थे bits? 2. Similarly यहाँ पर कितने offset हैं? 2 to the power 10. तो कितनी bits चाहिए होंगे? 10. तो बेटा जिसको डाउट था आप समझ में आया. यस मैम. चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. अभी टाइम है. टाइम ऐसे हो गया है हमारा. इसको आप लोग ट्राई कीजिए. ठीक है. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और मुझे बताना आपका क्या आंसर निकला है इसमें. ठीक है. दो चीज हमेशा याद रखना. पेज साइज इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रेम साइज एंड फ्रेम ऑफसेट इज ऑलवेज इक्वल टू पेज ऑफसेट. ठीक है. ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और ये ट्राई करके आना. मैं आपको दो तीन क्वेश्चन किया है अभी. क्या बेटा ये जिसका आप स्क्रीनशॉट लेने को बोल रहे. अरे ये वाला नहीं दूसरा था वो. यही है. तो वैसे 2 to the power 24 का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ. I'm done. ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया सकता है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ओके मैम. ठीक है. ठीक है बेटा आप इसका पिक ले लो और ये ट्राई करके आना अपना. मैं आपको एक आध क्वेश्चन और दे रही हूँ. ये वाला भी ट्राई करना. सेम ही क्वेश्चन पे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. इसका भी आप पिक ले लो. ले लिया सबने. एक सेकंड मैम. हाँ ले लिया. दिस वन. यस मैम. This one? Yes, ma'am. Oh, shit. Wait, ma'am. Iska rahega mera. Haan, ho gaya. Ho gaya? Haan.
चलिए यहीं तक कीजिए आप पहले अभी, बाकी फिर हम आगे करेंगे, ठीक है? चलिए क्लास, थैंक यू, नाउ यू मे लीव। और एक बार बुक से भी रीड कर लेना जो भी हमने आज पढ़ाया है पेजिंग का, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। ओके चलिए, थैंक यू क्लास। हाँ बेटा, मैम मैं वो मैनेजमेंट वाली मतलब वाले नोट्स आपने डाल दिए हैं पोर्टल पे? नहीं नहीं अभी नहीं डाले। ओके तो मैम उसको डाल दीजिएगा, एक बार उसको रिवीजन करना है। ओके थैंक यू मैम। Okay class, thank you.